हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फाइन ब्लॉग्स। आज आप लाइव दिखा रहा हूँ आपको, ये जो बकरी है कल सुबह इसकी डिलीवरी हुई और डिलीवरी में एक बच्चा इसका डेथ हुआ और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है और ठीक लमसम 12 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं और अभी तक इसने प्लेसेंटा अपनी गिराई नहीं है। और जो ऑनर हैं प्लेसेंटा पर, इन्होंने ये एक पत्थर सा बांधा हुआ है, किसी ने इनको बताया कि पत्थर बांधो तो जेल गिर देगी, लेकिन फीटस डेड होने की वजह से ये जो जेल है प्लेसेंटा है ये गिरा नहीं पा रही है और चारा खाने में असमर्थ है और साथ ही साथ बेचैन है। तो इसका पूरा ट्रीटमेंट, पूरा इलाज, फर्स्ट एड, आपको क्या करना है पूरा डिटेल से मैं बताऊंगा। और अभी फ़िलहाल हम इसका देख रहे हैं। और सबसे मेन चीज़ है, जब भी कोई बकरी डिलीवरी हो जाती है तो उसको सबसे पहले जो भी उसका बच्चा है, मेमना है, उसके थनों को दूध पिलाना चाहिए, थनों को फोड़ना चाहिए, क्योंकि अडर का स्ट्रेस होने की वजह से भी जानवर प्लेसेंटा नहीं गिरता और हार्मोन जो लेवल हैं वो भी सही तरीके से काम नहीं करते। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए और वीडियो पर भी बने रहिए, आगे बताऊंगा मैं। तो गाइस, अगर ऐसी स्थिति में कोई भी बकरी ब्याने के कुछ घंटों के बाद प्लेसेंटा ना गिराती है तो ऐसे में आपने घबराना नहीं है। और समय बड़ी गलती कर रखी है इन्होंने कि इस पर एक वजनदार चीज़ बांध दी है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसी स्थिति में जानवर की जो प्लेसेंटा है वो टूट भी सकती है, प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमने इसको स्टिक की मदद से फोल्ड करते राउंड शेप में हमने इसको निकाल दिया है और जितने भी अंदर इसके टुकड़े रहेंगे वो मेडिसिन के माध्यम से कट कट के बाहर निकलते रहेंगे। अब मेडिसिन में आपने जो प्लेसेंटा को सफाई करने के लिए, जो यूट्रस में इन्फेक्शन ना हो उसके लिए, हमें यूट्रोजन एक होम्योपैथिक की सीरप पानी आती है, उसको हमें 3-3 ml दिन में 3 बार ये सुबह दोपहर शाम बकरी को देनी है और लगातार ये 5-7 दिन तक दें। जितनी भी इन्फेक्शन है यूट्रस में या जेल वगैरह रुक गई है या सेप्टिक बनेगी, सब स्मूथली तरीके से ये बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो कभी भी अगर बकरी जेल नहीं गिराती तो ऐसा आप घबराए नहीं कि उसने जेल नहीं गिरे है, 12 से 24 घंटे हो गए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस बसरते आपने उसको जेल खिंचवाना नहीं है प्लेसेंटा को, उसकी सफाई नहीं करवानी हाथ डलवा के, वरना बकरी को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और जितना जल्दी हो सके बकरी को जो अडर में दूध आ रखा है उसके थनों को फोड़ें और मेमने को दूध पिलाएं। इससे क्या होगा कि बकरी का तो जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा और अडर की वजह से जो नहीं बैठ पा रही है तो जल्दी बैठ जाएगी और बैठेगी तो वो दर्द लेगी जेल गिराने के। यहाँ पर मैं तो गाइस 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं और रूप बहुत ज़्यादा बाहर निकल रही थी, तो हमने स्टिक, 2 स्टिक ली और उनको आपस में फोल्ड करके रूप को लपेट कर हमने धीरे धीरे बकरी की प्लेसेंटा को सहारा दिया और बहुत ही आसानी तरीके से बकरी की रूप निकल गई। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।